तो सबसे पहले तो देखो आप यहां पर टाइटल बना लो, इसी से जुड़ा है वो है पुस्तकालय, पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धतियां, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियां, प्रमुख पद्धतियां। देखो तो यहाँ से इनको कैसे याद किया जाता है, याद करने का कौन सा मेथड है, वो सारी बातें दोस्तों मैं आपके सामने क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आप इसको देखो, यानी आप इसमें एक ही चीज़ बना सकते हो, या तो आप इसमें सन याद करो, या अगर आपसे सन याद नहीं होता है तो आप इनके क्या रखो, नाम याद रखो। देखो मैं यहाँ से बिंदु बनाता हूँ, सबसे पहले तो अपन बिंदु बना लेते हैं क्रम संख्या, सबसे पहले तो बिंदु बनाते हैं क्रम संख्या, उसके बाद में देखो वर्ष, और वर्ष को आप बढ़ते क्रम में याद रखोगे तो आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद में आप याद रखो देखो इनका संक्षिप्त नाम, उनके बाद में आप याद रखो वो आप नाम याद रखोगे संक्षिप्त नाम। और आगे बात करो दोस्तों संक्षिप्त नाम के अलावा, तो आप यहाँ से इसका नाम याद रखोगे पूरा नाम, इसका क्या भाई, पूरा नाम। और पूरा नाम के अलावा दोस्तों बात करो तो यहाँ से आप इनका नाम याद रखोगे निर्माणकर्ता, यहाँ से आप याद रखोगे निर्माणकर्ता। और निर्माणकर्ता के अलावा अंतिम जो बात याद रखोगे वो आप याद रखोगे देश, यानी कौन से देश में क्या की गई, प्रयोगित की गई। तो सबसे पहले तो देखो क्रम संख्या एक, लगभग 9 आपको याद रखनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखो सबसे पहले वर्ष लेते हैं दोस्तों, ये है 1876, यानी आप वर्ष लेते जाओ 1876, फिर ले आप 1891, उसके बाद में 1891 के बाद में दोस्तों ले आप 1904, 1904 के बाद में ले 1905, 1905 के बाद में ले लो दोस्तों 1906, 1906 के बाद में बात करें तो आप ले लो 1933, 1933 उसके बाद में आप ले हो तो ले 1935, 35 के बाद में ले हो तो दोस्तों आप ले लो 1961 यानी 1961, और उसके अलावा ले हो तो आप ले लो 1978, 1978 को भी आप क्या कर लो, शामिल कर लो। अब देखो सबके संक्षिप्त नाम की यहाँ चर्चा करें दोस्तों, तो संक्षिप्त नाम है पहले DDC, उसके बाद में बात करें तो EC, EC के बाद में बात करें दोस्तों तो LCC, LCC के बाद में बात करें तो UDC, UDC के बाद में बात करें दोस्तों तो SC, उसके बाद में बात करें तो CC, उसके बाद में बात करें तो BC, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो RIC, RIC के बाद में बात करें तो BSO, BSO साथ में बात कर लेते हैं दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है। तो ये है पूरा नाम जो है, इसका नाम पूरा है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका पूरा नाम है। साथ ही दोस्तों बात करें निर्माणकर्ता की, तो इसके निर्माणकर्ता हैं मेल्विन डेवी, इसके निर्माणकर्ता हैं कौन भाई, मेल्विन डेवी। कौन से देश में यूज की गई, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों वो USA यानी अमेरिका में क्या किया गया था, इसको पहली बार यूज किया गया था या पहली बार निर्मित किया गया था। साथ ही बात करें दोस्तों EC क्या है, तो EC जो है वो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है। और बात करेंगे दोस्तों EC की, इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों EC के निर्माणकर्ता जो हैं वो है CA कटर, वो है कौन भाई, CA कटर। और CA कटर की भी बात करें दोस्तों, ये भी कौन से देश में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी USA अमेरिका में है। बात करें दोस्तों LCC की, तो LCC जो है ये है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। बात करें दोस्तों ये भी कहाँ है और निर्माणकर्ता कौन है, तो आप याद रखिएगा ये है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसके निर्माणकर्ता हैं। और कौन से देश में है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी कहाँ है भाई, अमेरिका में है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे UDC की, तो इसका पूरा नाम जो है वो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका पूरा नाम है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे ये कौन से देश में काम में ली गई और बनाने वाले कौन थे, तो आप याद रखेंगे, एक तो आप नाम याद रखेंगे पॉल ओटलेट व दूसरा व्यक्ति आप याद रखेंगे हेनरी ला फोंटेन।
दूसरा आप याद रखेंगे हेनरी ला फाउंटेन। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि हेनरी ला जो फाउंटेन है इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला और कौन से सन में मिला, ये बता सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड में मिला था और कब मिला ये आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों कौन से देश में है ये, तो आप याद रखिएगा बेल्जियम के दोनों क्या हैं, मूल निवासी थे और यहीं पर क्या करते हैं, इस पद्धति को बनाते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एससी की, तो एससी जो है वो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है। और बात करें दोस्तों ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की, तो आप याद रखिएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले निर्माण 1906 में, और निर्माण करने वाले व्यक्ति की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपको याद रखना है जेम्स डफ ब्राउन यानी जेडी ब्राउन इसके निर्माण करता है। साथ ही देश की अगर बात करें दोस्तों तो देश को आप याद रखना है ब्रिटेन, देश को आपको याद रखना है क्या भाई, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों सीसी, तो सीसी जो है वो है कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है। और बात करें दोस्तों इस पद्धति का निर्माण, तो आप याद रखिएगा इस पद्धति का निर्माण भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। साथ ही बात करें कहाँ कौन सा देश, तो ये अपने याद रखिएगा इंडिया यानी भारत में क्या था, इसका निर्माण किया गया था। बात करेंगे दोस्तों बीसी की, तो बीसी क्या है, तो सबसे पहले तो आप बीसी को याद रखिएगा, बीसी का पूरा नाम है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन इसका पूरा नाम है। साथ ही दोस्तों बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का निर्माणकर्ता कौन था, तो आप याद रखिएगा इसका निर्माणकर्ता एच ई ब्लिस था, और एच ई ब्लिस कौन से देश में करता है, तो वो भी आप याद रखिएगा, वो भी कहाँ है भाई, यूएसए में। साथ ही दोस्तों याद रखेंगे आरआईसी, तो आरआईसी से अगर याद रखें दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कब बनता है, तो 1961 में। कहाँ बनता है, तो आप याद रखिएगा यूएसए में। और इसके निर्माणकर्ता की दोस्तों बात करें तो आपको याद रखना है इसका नाम फिडमोंट राइडर था यानी एफ एम राइडर्स का क्या था भाई, इसका नाम था। साथ ही दोस्तों बात करेंगे बीएसओ की, तो बीएसओ जो है ये है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्या है इसका पूरा नाम था। साथ ही दोस्तों आप ये बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि ये जो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग यानी बीएसओ जो वर्गीकरण की पद्धति थी इसके निर्माणकर्ता कौन थे। और बात करेंगे दोस्तों देश में, तो देश में ये यूएसए में क्या की गई थी, प्रयोगित की गई थी। तो ये प्रमुख वर्गीकरण की पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग आधुनिक पुस्तकालयों में किया जा रहा है। दोस्तों एक प्रश्न पूरा आने की संभावना रहेगी, चाहे यहाँ से प्रश्न, चाहे इनके पूरे नाम से आ जाए, चाहे इनके जनक से आ जाए, चाहे इनके सन से आ जाए, या कहीं ना कहीं कौन से देश में प्रयोगित कर दी की जाती हैं, यहाँ से पक्का एक प्रश्न आने का चांस रहेगा। तो आप इसको भली भांति देखिए, आराम से याद कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आपका सेकेंड जो है वो भली भांति तैयार हो। एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।